मैं हूं उषा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। नोवा स्कॉटिया में जंगलात में आतिशजदगी, कैनेडियन वजीर आजम का सूबे की मदद का ऐलान। आग ने तकरीबन 788 हेक्टर रकबे को अपनी लपेट में ले लिया है। कनाडा के शहर टोरंटो में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने का इम्कान। दर्जा हरारत 20 डिग्री तक बढ़ने की तवक्को। आइंदा चंद रोज में दर्जा हरारत 25 से 27 के दरमियान बढ़ने की तवक्को। चीन की जानिब से एक और कैनेडियन एमपी की जासूसी का इंकशाफ। एनडीपी रुकन पार्लियामेंट का कहना है कि वो अपने खिलाफ मुबैना कार्रवाइयों की नौयत को जाहिर नहीं कर सकती। एनडीपी का गैर मुल्की मदाखलत पर हुकूमत के खसूसी नुमाइंदे की बरतरफी का मुतालबा। तुर्क कौम अपने फैसले खुद करती है, मगरिब नहीं। सदर तैयब उर्दवान का कहना है कि सब मिलकर इसे तुर्किया की सदी बनाएंगे। कोई समझौता किए बगैर तुर्किया पर तरक्की के दरवाजे खोल दिए। अमेरिका, सऊदी अरब और जीसीसी ममालिक की मुश्तरका फौजी मशकों का आगाज। अमरीकी अस्करी हुकाम का कहना है कि मशकें पूरे खत्ते में फौजी ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए की जा रही हैं। अमरीका, जापान और फिलिपाइन की कोस्ट गार्ड फोर्सेज की पहली मुश्तरका बहरी मशकें भी मुनक्किद की जाएंगी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वफाकी हुकूमत जंगल की आग के सबब इनखिला करने वाले हजारों नोवा स्कॉटियंस की मदद के लिए किसी भी तरीके से तैयार हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वफाकी हुकूमत जंगल की आग के सबब इनखिला करने वाले हजारों नोवा स्कॉटियंस की मदद के लिए किसी भी तरीके से तैयार है। एक अंदाजे के मुताबिक 16,400 अफराद इनखिला के अहकाम से मुतासर हुए हैं, क्योंकि हेलीफैक्स के इलाके में तेजी से फैलती हुई आग ने तकरीबन 788 हेक्टर रकबे को अपनी लपेट में ले लिया है। ट्रूडो ने ऑटावा में आइसलैंड के सदर गॉनी जोहानसन के साथ मुलाकात से कबल कहा, हम नोवा स्कॉटिया के लोगों के लिए वहां जा रहे हैं जब वो जंगल की उन खौफनाक आग से निमट रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि वो नोवा स्कॉटिया के प्रीमियर टिम ह्यूटसन और हेलीफैक्स के मेयर माइक सिविच से बात करने का इरादा रखते हैं, ताकि उन्हें यकीन दिलाया जा सके कि वफाकी हुकूमत हर मुमकिन मदद के लिए मौजूद रहेगी, क्योंकि लोग कुछ खौफनाक हालात से निमट रहे हैं। हम इस बात को यकीनी बनाने में मदद करने के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे कि इस इंतहाई मुश्किल लम्हे में किसी को तकलीफ ना पहुंचे। एक जंगल की आग जो हेलीफैक्स के शुमाल मगरिब में अब भी बेकाबू है, जिसने हुकाम के मुताबिक सैकड़ों घरों को नुकसान पहुँचाया है। पीर की रात हेलीफैक्स रीजनल म्यूनसिपल्टी का तखमीना था कि पहले जवाब दहिंदगान के इब्तदाई बसरी मुआयने की बुनियाद पर अब तक 200 मकानात या ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया है। म्यूनसिपल्टी ने एक न्यूज रिलीज में कहा, नुकसान के मुकम्मल तखमीने की अभी तस्दीक नहीं की जा सकती। तखमीना शुदा तादाद पहले जवाब दहिंदगान के इब्तदाई बसरी मुआयने पर मबनी है। म्यूनसिपल्टी ने एक न्यूज रिलीज में कहा, तफसीली नक्शा साजी मुकम्मल होने के बाद मुतासरा रिहायशियों को मजीद मालूमात फराहम की जाएंगी। टोरंटो में जून के आगाज से कबल दर्जा हरारत 20 डिग्री तक बढ़ने की तवक्को है, जबकि शुमाली ऑन्टेरियो के कुछ इलाकों में दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोरंटो में जून के करीब दर्जा हरारत 20 डिग्री तक बढ़ने की तवक्को है, जबकि शुमाली ऑन्टेरियो के कुछ इलाकों में दर्जा हरारत
30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इस हफ्ते टोरंटो और जीटीए में शहरी जून जैसी गर्मी महसूस करेंगे। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक खित्ते में इस हफ्ते धूप और इंतहाई गर्म दर्जा हरारत का तजुर्बा होगा। रातें निस्बतन सर्द रहेंगी। पूरे हफ्ते में रात का कम दर्जा हरारत 15 सेंटीग्रेड से 17 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। अगले 3 दिनों में दर्जा हरारत 25 से 27 के दरमियान बढ़ने की तवक्को है और हम जून के पहले दिन जुमेरात को 29 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ खुश आमदीद कहते हैं। स्कूल और काम का हफ्ता जुमे को 28 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ खत्म होगा। इन्वायरमेंट कनाडा का कहना है कि टोरंटो में अगले 7 दिनों तक दिन के वक्त की दर्जा हरारत 26 सेंटीग्रेड और 29 सेंटीग्रेड के दरमियान देखा जाएगा, जिसकी पेशन गोई के मुताबिक धूप निकली रहेगी और बारिश का कोई इम्कान नहीं। नमी का एक बड़ा अंसर होने की तवक्को नहीं है और बारिश की पेशन गोई में कहीं भी जगह नहीं है। कनाडा में हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात न्यू डेमोक्रेट की एमपी जेनी क्वान ने कहा है कि कनाडा की जासूसी एजेंसी ने उनके देरीना यकीन की तस्दीक कर दी है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा में हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात न्यू डेमोक्रेट की एमपी जेनी क्वान ने कहा है कि कनाडा की जासूसी एजेंसी ने उनके देरीना यकीन की तस्दीक कर दी है कि उन्हें चीनी हुकूमत निशाना बना रही है, क्योंकि वजीर आजम ने एनडीपी की ख्वाहिश को मंजूर कर लिया है कि पार्टी के मजीद अरकान को खुफिया मालूमात का जायजा लेने की इजाजत दी जाए। क्वान ने कहा कि कनाडा की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने जुमे के रोज उनके साथ एक घंटा गुजारा और उसके पास मौजूद इंटेलिजेंस को बयान किया कि वो 2019 के वफाकी इंतखाबात से कबल हांगकांग में इंसानी हकूक और चीन में एगोर मुस्लिम अकलियत की वकालत पर चीन की तरफ से निशाना बना रही है। लेकिन क्वान ने कहा कि वो अपने खिलाफ मुबैना कार्रवाइयों की नौयत को जाहिर नहीं कर सकती और ना ही उन्होंने उसे होते देखा है। क्वान ने हाउस ऑफ कॉमन्स के बाहर कहा, जिस चीज की कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज ने मेरे साथ तस्दीक की है वो ये है कि मैं एक हदफ थी और मैं एक हदफ बनी रहूंगी। क्वान ने कहा कि उन्हें बताया गया कि वो हांगकांग में जमहूरियत की हिमायत और चीन की इग़ियर आबादी पर जुल्म सितम के खिलाफ उनके बयानात की वजह से चीनी हुकूमत का एक सदा बहार हदफ है। दूसरी जानिब एनडीपी लीडर जगमीत सिंह ने कहा कि यह खबर गैर मुल्की मदाखलत पर मुकम्मल पब्लिक इंक्वायरी की जरूरत का मजीद सबूत है। उन्होंने कहा कि एनडीपी हाउस ऑफ कॉमन्स में एक तहरीक पेश करेगी जिसमें अराकीन पार्लियामेंट से अवामी इंक्वायरी के हक में वोट देने के साथ साथ साबिक गवर्नर जनरल डेविड जॉनस्टन को गैर मुल्की मदाखलत पर हुकूमत के खसूसी नुमाइंदे के तौर पर माजूल करने के लिए कहा जाएगा। जगमीत सिंह ने कहा कि अगरचा वो एहतियात बरत रहे हैं कि साबिक गवर्नर जनरल या उनकी साख पर हमला ना करें, जॉनस्टन के पस मंजर की वजह से खसूसी नुमाइंदे के तौर पर उनके काम के बारे में शकूक व शुभात पैदा हुए हैं। तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान ने कहा है कि तुर्किया के आवाम अपने मुल्क के लिए फैसले खुद करते हैं, मगरिब नहीं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान ने कहा है कि तुर्किया के आवाम अपने मुल्क के लिए फैसले खुद करते हैं, मगरिब नहीं। हालिया सदारती इंतखाबात में तुर्किया के दोबारा सदर मुंतखब होने वाले सदर तैयब उर्दवान ने बयान में कहा कि कोई समझौता किए बगैर तुर्किया पर तरक्की के दरवाजे खोल दिए। दोबारा सदारत की जिम्मेदारी मिलने के बाद हम सब मिलकर इसे तुर्किया की सदी बनाएंगे। यह वक्त मुत्तहिद होने और काम करने का है। सदर उर्दवान ने मजीद कहा कि सल्तनत उस्मानिया को इस्तांबुल फतह किए हुए 570 बरस मुकम्मल हो गए, जो हमारी तारीख का फैसला कुन मोड़ था। हालिया सदारती इलेक्शन भी तुर्किया के लिए ऐसा ही टर्निंग पॉइंट है। उन्होंने कहा कि हमारी अवलीन जिम्मेदारी 6 फरवरी के जलजले में तबाह होने वाले शहरों की आबादकारी है। हम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे और महंगाई कम करेंगे। अमरीका ने सऊदी अरब और खलीज तआवुन तंजीम में शामिल ममालिक के साथ मुश्तरका फौजी मशकें ईगल रिजॉल्व 23 शुरू कर दी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीका ने सऊदी अरब और खलीज तआवुन तंजीम में शामिल ममालिक के साथ मुश्तरका फौजी मशकें ईगल रिजॉल्व 23 शुरू कर दी, जबकि अमरीका, जापान और फिलिपाइन की कोस्ट गार्ड फोर्सेस पहली बार साउथ चाइना समंदर में सैफरी की बहरी मशकों में हिस्सा लेंगी। सऊदी अरब में मुनक़द होने वाले इन मशकों से मुतालिक सेंट कॉम सरबरा जनरल माइकल कॉरेला ने कहा कि ये मशकें पूरे खित्ते में फौजी ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए की जा रही हैं। मशरिक़ वस्ती में कायम अमरीकी फ़ौज के हेडक्वार्टर्स सेंट्रल कमांड ने बयान में कहा कि मश्क में इंसदादे दहशतगर्दी, समंदर में मौजूद बारूदी सुरंगों और एयर डिफेंस ताबुन पर तवज्जो दी जाएगी। उनका कहना था कि ईगल रिजॉल्व जैसी मशकें अमरीकी फौजी ताबुन का मजहर और तमाम जीसीसी ममालिक में मुश्तरका ऑपरेशंस को वसी करने के लिए मौके फराहम करेंगी। अमरीकी फौज के मुताबिक ईगल रिजॉल्व मशकें साल में दो बार मुनक्किद की जाती हैं।
दूसरी जानिब अमरीका, जापान और फिलिपाइन की कोस्ट गार्ड फोर्सेस पहली बार साउथ चाइना समंदर में सैफ अरीकी बहरी मशकों में हिस्सा लेंगी। फिलिपाइन के 4 जबकि अमरीका और जापान का एक एक बहरी जहाज मशकों में हिस्सा लेगा। ये मशकें 1 से 7 जून तक जारी रहेंगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया मुबसर के तौर पर शिरकत करेगा। रवां बरस फरवरी में फिलिपाइन ने जापान और अमरीका को मुश्तरका बहरिया मशकों के लिए तजवीज़ पेश की थी। ये मशकें समंदर में कानून नाफिज करने, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में तआवुन को बेहतर बनाने के लिए मुनक्किद की जा रही हैं। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।